नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। मैं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टीबी की जो बीमारी होती है इसकी जांच कैसे होती है। मैं इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको टीबी से जुड़े लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि अगर आपको बुखार बार बार आता है, ठीक है, ये अगर आपको एक महीने से ऊपर हो गया, आपको खांसी हो रही है, ठीक है, शाम के टाइम अगर आपको जाड़ा लगता है, आपका वज़न कम हो चुका है, आपको भूख नहीं लग रही, या अगर आपके मुंह से खून आ रहा है, तो ये सारे सारे लक्षण जो होते हैं टीबी के होते हैं, तो आपको टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। ठीक है, टेस्ट से ये पुष्टि हो जाएगी कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट जो इस चीज़ की पुष्टि कर देगा कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं है, वो है बलगम का टेस्ट। ठीक है, इसे हमें इंग्लिश में कहते हैं स्पूटम टेस्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता है, जहां से आप इसका इलाज करा रहे हैं, ठीक है, वहां की लैब से आपको दो शीशियां मिलेंगी। तो आपको करना होता है कि सुबह का जो बासी बलगम होता है, वो आपको दो दिन लगातार जो है इकट्ठा करके उस शीशियों को आपको लैब में सबमिट करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद वो लैब में चली जाती है, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अगर उस बलगम में, ठीक है, टीबी का बैक्टीरिया अगर दिख जाए जिंदा, तो ये पुष्टि हो जाती कि आपको टीबी की बीमारी है। तो पहला टेस्ट होगा, ठीक है, स्पूटम टेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बलगम की जांच। ठीक है, तो बलगम की जांच से ये साबित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं है। ठीक है, मैं इसके अलावा एक टेस्ट आपको और भी कराया जाता है, जिसमें डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जाके अपने चेस्ट का एक्सरे कराइए। तो मैं जैसे कि आपको पता होगा, ज़्यादातर केस में जो टीबी की बीमारी होती है लंग्स में होती, तो डॉक्टर एक्सरे से ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि जो टीबी का बैक्टीरिया है, इसने आपके लंग्स को कितना डैमेज किया है। ठीक है, तो अगर जो इंसान हेल्दी है, उसका जो लंग्स की जो एक्सरे होते हैं वो एकदम ब्लैक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको टीबी की बीमारी, तो आपके लंग्स में वाइट वाइट स्पॉट आ जाते हैं, या अगर आपको पहले टीबी था उसका भी स्पॉट आप देख सकते, या अगर आपको कोई और इंफेक्शन है उसका भी स्पॉट आप वाइट वाइट जो है अपने एक्सरे, चेस्ट का जो एक्सरे उसमें देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आपके जो लंग्स है उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है टीबी के चलते, तो उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही तो ये भी देखा जा सकता है। तो इस एक्सरे के बेस में डॉक्टर जो है आपकी डोज सेट करने में उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, मगर इसके अलावा आपका एक टेस्ट और होता है, वो होता है एचआईवी का। तो एचआईवी का टेस्ट इसलिए कराया जाता है क्योंकि कहा जाता है जिन लोगों को एचआईवी की बीमारी होती है, ऐसे लोगों में टीबी होना एक आम बात हो जाती है, क्योंकि जो एचआईवी बीमारी होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, इम्यून सिस्टम हमारी बीमारियों से लड़ता है। तो ऐसे लोगों में टीबी और इससे जुड़ी हुई जितनी भी मिलती जुलती बीमारी है, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एचआईवी की बीमारी है, ठीक है, तो ऐसे लोगों की खास तौर पर केयर की जाती है अगर ऐसे लोगों को टीबी की बीमारी। ठीक है, तो इन तीन तरीकों से आपकी टीबी जो है डायग्नोस की जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।